न्यूज़ युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। इसके चलते लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में निशुल्क गेहूं का वितरण कर रही है ताकि किसी को भी भूखा ना सोना पड़े। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग गरीबों के वितरण के लिए आए हुए इस गेहूं को बाजार में बेचकर कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड के गांव सतखंडा से सामने आया, जहां राशन डीलर अमीर अमानुल्लाह खान द्वारा गरीबों के लिए आए गेहूं के 40 कट्टों को बेचने के लिए बाजार ले जाया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही रसद विभाग की टीम द्वारा मौके पर ही इस रसद को जब्त कर राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। इस बारे में प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सतखंडा ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों ने शिकायत की थी कि यहाँ के जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो वितरण के लिए गेहूँ आया हुआ है वह ब्लैक में जा रहा है। इस आधार पर कार्यालय से नया प्रवर्तन निरीक्षक दोनों यहाँ पर पहुँचे हैं और कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर एक ट्रैक्टर के अंदर 40 कट्टे भरे हुए थे, जिसके अंदर टोटल 20 क्विंटल गेहूँ है, जिसको हमने जब्त किया है। उल्लेखनीय है कि गेहूं की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर जिला रसद अधिकारी बीजल सुराना ने निम्बाहेड़ा उपखंड के सतखंडा गांव के राशन डीलर का अधिकार पत्र निलंबित कर दिया है। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।